अस्सलाम वालेकुम। पेंटिंग चाहे आप जितनी भी अच्छी कर लेते हो, जितने भी टैलेंटेड हो आप, लेकिन अगर आपके पास टूल्स सही नहीं है, ब्रशेस सही नहीं है और आप उससे बहुत सारे पैसे वेस्ट भी कर रहे हैं तो फिर काफ़ी हर्ट हो जाएगा आपका। सो आज मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे ब्रशेस के बारे में बताऊंगी और कुछ ऐसे ब्रशेस और टूल्स के बारे में बताऊंगी जिस पे आप पैसे बिल्कुल ज़ाया ना करें। मेरा नाम आसिया बाजवा है, फील फ्री टू जॉइन द चैनल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप के ब्रशेस इस तरह के होते हैं और ये ऑयल पेंट में भी यूज़ होते हैं और एक्रेलिक में भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे एक्रेलिक पेंटिंग्स करती हूँ, ऑयल पेंटिंग में काफ़ी अर्सा करती रही हूँ, तो इस तरह के ब्रशेस वैसे ऑयल पेंटिंग में तो फिर भी चल जाते हैं। आई वुड सजेस्ट कि एक्रेलिक के लिए अवॉइड ही करें। आप देख सकते हैं मैंने ये ब्रशेस बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं, मेरे पास ये बड़े साल सिर्फ यही ब्रशेज ही रहे थे मगर ये इतने अच्छे नहीं रहे थे। मैं बहुत स्ट्रगल करती थी, इवन अभी भी मैं इनसे कभी काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बस स्ट्रगल कर रही हूँ और वो नहीं बन रहा जो मैं बनाना चाहती हूँ। सो ज़्यादा सॉफ्टनेस भी नहीं आती पेंटिंग में, काफ़ी इरिटेटिंग सी पेंटिंग बनती है, बहुत स्टिल स्टैटिक। मैं आपको कुछ पुरानी पेंटिंग्स के यहाँ पर क्लिप्स या वो दिखा दूँगी तस्वीरें, जिससे मैं आपको बता दूँगी कि वो कितनी स्टैटिक लग रही थी। वेयर एज अच्छे ब्रशेज से इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनती हैं। और अब मैं आपको अच्छे ब्रशेज दिखाती हूँ थोड़ी देर में। बार इस तरह के ब्रशेज़ आप अवॉइड कर लें, एक अगर ले लें काम भी आ जाता है, ये बेस कोट वगैरह के लिए काम आ जाता है। थोड़ा सा फ्लफी टाइप का लें ये अच्छा है, थोड़ा सा ये भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। वैसे यूज़ में बहुत करती हूँ, इसका डंडा बहुत लंबा है सो ये थोड़ा यूज़ करने में ईजी रहता है, मगर अदरवाइज़ जो है वो इससे इफेक्ट इतना अच्छा नहीं आता। फिर एक इस टाइप के ब्रशेज़ होते हैं और ये बहुत ही कॉमन है बाज़ार में, आपको बहुत नज़र आ जाएंगे। ये फर्स्ट यूज़ में ही टूट गया था और ये फर्स्ट यूज़ में आई थिंक हिल गया था या फिर ये भी टूटा हुआ है। सो ये एक पेंटिंग भी पूरी नहीं बना पाते। ये छोटे साइज़ का आई थिंक ज़्यादा चल गया था, ये बहुत शुरू में मैंने लिया था तो तब थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर आ रही थी, मगर ये भी हिला हुआ है थोड़ा सा। सो इसका ये ब्रशेज़ बिल्कुल अच्छे नहीं है, आई थिंक ये पैसे मैंने लगाया है कि ये आप इसके साथ जब काम करते हैं प्रेशर आप यूज़ करते हैं लगाते हैं पेंटिंग पर तो ये हिल जाता है, ये बिल्कुल कॉपरेट नहीं करता। ये वाला भी टूटा हुआ है और ये हिलना शुरू हो जाता है। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैंने इकट्ठे काफ़ी सारे ले लिए थे मगर ये इतने काम नहीं आए, सिवाय इसके ये थोड़ा शायद कंपनी फ़र्क है। अब इसमें कंपनी के नाम जो है ना वो मिट गए हुए हैं सारों के, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा, ये आप गौर से देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा बाज़ार में देख के भी, उसकी मजबूती से भी पता चल जाता है। तो ये शुरू में मैंने लिया था, ये थोड़ा बहुत काम आ गया था, मतलब काम तो मैंने इससे बहुत ज़्यादा किया वैसे, मगर ये कि मैं आपको बेसिकली इफ़ेक्ट के बारे में बता रही हूँ कि उससे इतने अच्छा नहीं आता, इन सब ब्रशेस से इतना अच्छा नहीं आता और इतना ये दे पा नहीं है, इतना सस्टेन कर नहीं पाते, सब पैसे ज़ाया ही होते हैं। फिर इस तरह के राफेल के ब्रशेज़ आते हैं, ये ब्रशेज़ मुझे काफ़ी पसंद हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है सिर्फ, और वो ये है कि इनके जो बाल हैं वो ब्लैक कलर के हैं और अगर आप लाइट कलर का जब पेंट यूज़ करते हैं तो इसके बाल टूट टूट के गिरते बहुत हैं इसके अंदर, तो फिर वाइट कलर से उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बहुत बुरे लगते हैं। ऑब्वियसली आप उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते तो वो सारे फिर निकालने पड़ते हैं। डार्क कलर्स के लिए ये बहुत अच्छे रहते हैं और ये बड़े सॉफ्ट हैं और काफ़ी फ्लफ़ी हैं। ये ऐसे करते हैं कि ये बहुत सारा पेंट अपने अंदर ऐड कर लेते हैं, यानी कि आप पेंट उठाते हैं जब इससे तो काफ़ी सारा पेंट ब्रश के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत देर तक पेंट कर रहे होते हैं और खाली ब्रश नहीं चला रहे होते, आपको बार बार उसको डिप नहीं करना पड़ता। और ये ईज़ काफ़ी अच्छी रहती है क्योंकि एक्रेलिक बहुत जल्दी ड्राई होता है, तो जब आप उसको यूँ यूँ मतलब कर रहे हैं ब्लेंड कर रहे हैं तो ब्रश के अंदर अगर पेंट है और वो नॉन स्टॉप निकल रहा है थोड़ा थोड़ा तो वो आपके पेंट को सॉफ्ट रखता है और आप ब्लेंड कर लेते हैं इजीली। तो जो मैंने पहले आपको किस्म बताई थी ना ब्रशेस की, ये वाली, इसके अंदर पेंट बिल्कुल नहीं ये पिक करता, बस ऊपर थोड़ा सा लगा रहता है, चाहे आप जितना भी डिप करें इसके अंदर पेंट नहीं जाता और वो जब आप लगाते हैं तो आपको लगता है ब्रश ही रगड़ रहे हैं और उसके अंदर पेंट नहीं है। और ये वाला तो वैसे हिल भी गया अब, लेकिन ये राफेल के काफ़ी मज़बूत रहते हैं ब्रशेज, आप जितना मर्जी ज़ोर से काम करें। जैसे ये बोर्ड है लगा हुआ और इस पर कैनवस लगाया हुआ मैंने, तो इसके ऊपर जब बहुत सारा प्रेशर डालें तो उसका इफेक्ट अच्छा आता है, तो ब्रश थोड़ा मजबूत होना चाहिए, यहाँ से हिलना नहीं चाहिए उसको। तो ये राफेल के ब्रशेज अच्छे हैं बट ओनली फॉर डार्क कलर्स, घिस गया ये मैंने बहुत यूज़ किया। अच्छा ये वाला ब्रश भी शायद राफेल का ही है, मुझे सही पता नहीं है उस पर मिट किया हुआ है, दूसरे ब्रशेस पे तो अभी तक लिखा हुआ है राफेल के ब्रशेस पे, लेकिन बहरहाल इसका ब्रश आप आगे से देखें ये कितना बुरा है, ये इतना हार्ड है, पता नहीं आप कैमरे में इसको जज कर पाते हैं या नहीं। और इसका देखें कितना सॉफ्ट है ये, और इतना भी ये वो नहीं है ढीला कि ये पेंट को ना पकड़ सके। जैसे कि मैं एक ब्रश आपको दिखाती हूँ
वो सॉफ्ट तो है लेकिन वो बिल्कुल ही डेड टाइप का ब्रश है, कि डेड है ऑलमोस्ट, यानी कि इतना सॉफ्ट है कि जब आप इसके साथ पेंट लगाते हैं तो पेंट नहीं लगता, ब्रश मुड़ जाता है पूरा। तो इतना भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। मैं इन तीनों को ज़रा सा मोड़ के आपको दिखाते हैं, आपको थोड़ा सा शायद आइडिया हो। याद देखिए यहाँ पर, देखिए ये तो टच ही नहीं कर रहा कैनवस के साथ। लेट मी जस्ट शो यू, ये सीधा ही रहता है। और राफेल का कितना अच्छा मोड़ रहा है, और दूसरे वाला भी काफ़ी हार्ड है, उसको मैं बहुत सारा प्रेस करूँ, इसको भी मैं बहुत ज़्यादा प्रेस करूँ तो फिर मुड़ेगा, पर अदरवाइज़ ये काम करने में ईजी नहीं रहता। ये भी आपको देखने में तो चलो ठीक लग रहा है कि प्रेस ज़्यादा कर लिया तो मुड़ रहा है, ये बहुत सस्ता ब्रश था, लेकिन ये शायद वाटर कलर के लिए है, ये बिल्कुल अच्छा ब्रश नहीं है। आई थिंक फ्री जैसे आते हैं ना बीच में ब्रशेस, उस तरह की कोई चीज़ थी ये मुझे नहीं पसंद। मैंने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया था कि दीवारों पे पेंट करने वाली जो शॉप्स होती हैं उनसे मैंने ये सस्ते सस्ते से ब्रशेस लिए थे, ये शायद 80-90 रुपीज़ का था, और ये ब्रश भी जो है वो इसी तरह किसी प्राइस का था, 60 का था आई थिंक। इसमें से ये वाला ज़्यादा यूज़ में नहीं आया, ये बहुत फजूल है, और ये मेरे ख्याल से मैं धोना भी याद नहीं रहा और ये हार्ड हो चुका हुआ है, लेकिन ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है। इसके साथ जो है वो बेस कोट काफ़ी अच्छा रहता है, आपने देखा है अभी भी इसमें डार्क कलर है, मैंने इसे शायद टेबल पेंट किया था, लेकिन बहरहाल ये काफ़ी अच्छा रहता है, इतना भी अच्छा नहीं है उससे, लेकिन ठीक है। अगर सस्ता ब्रश भी लेना है बड़े साइज़ का तो ये बाज़ार से आप 60 रुपीज़ का ले सकते हैं, आप शायद 100 या 150 का होगा। इस किस्म के ब्रशेस भी हार्ड ही रहते हैं, ये इतने अच्छे नहीं रहते, ये ऑयल पेंट में काफ़ी अच्छे रहते हैं, स्ट्रोक्स अच्छे देते हैं ये, मगर एक्रेलिक में ये काफ़ी सो ही काम करते हैं, इसको मैं अवॉइड करती हूँ इस्तेमाल करने में। ये भी देखें कितने अजीब से इसके, ओह दिस आर इरिटेटिंग, इन पे पैसे मेरे ख्याल ना ही ज़ाया करें। अच्छा, इस तरह के छोटे ब्रशेज़ आते हैं, ये चाइना का एक सेट सा आता है, इसमें बहुत सारे साइज़ के ब्रशेज़ होते हैं, मेरे पास ये बहुत ज़्यादा है, मगर अभी मुझे मिल नहीं रहा है और कोई ब्रश। बहरहाल ये बहुत मैंने यूज़ किया हुआ है, मैं साथ क्लिप लगा दूँगी यूज़ करने के वक्त का, मैं आपको दिखाऊँगी। इतने सॉफ्ट रहते हैं और ये बहुत सस्ते आते हैं, ये पूरा पैक काफ़ी सस्ता आ जाता है। अब मैं प्राइस नहीं बता सकती अब क्योंकि प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, लेकिन मैं आपको बस जनरली सस्ता और महंगा बता सकती हूँ कि दुकान पे ये काफ़ी सस्ते थे। तो इसमें ये पैक होता है 3-4 मेरे ख्याल इसमें ब्रशेस से, और ये इतना सॉफ्ट होता है, और ये सेपरेट भी मिल जाते हैं, और इसका सिर्फ हैंडल छोटा होता है, ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन ये अच्छी बात भी है क्योंकि कभी कभी आपको छोटे हैंडल से भी करीब होकर काम करना पड़ जाता है, तो ये भी अच्छा रहता है। आई थिंक आप बिगनर हैं तो ये वाला इस टाइप का ब्रश लें, ये पैक सा मिलता है। ये अभी रिसेंटली मैंने बहुत महंगा ब्रश लिया, मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना महंगा ब्रश लिया, 3000 का आया था, इसलिए मैंने इस पर EXP भी लिख दिया ताकि कोई घर में इसे सफाई करने की कोशिश ना करे, क्योंकि बाजू होता है कंप्यूटर वगैरह अंदर से साफ़ करना पड़ता है ब्रश से। ये ब्रश इतना अच्छा है, 3000 बिल्कुल ज़ाया नहीं हुए, मुझे लग रहा था ख़रीदते हुए कि पता नहीं ये किसी काम का निकलेगा या नहीं, आई मीन ऑब्वियसली देखने में तो बहुत अच्छा था। ये भी राफेल का है, अच्छा राफेल के जो ज़्यादा सस्ते वाले ब्रशेज़ मैंने आपको पहले दिखाए थे वो उसके बाल गिरते थे, मगर ये आगे से बहुत ही मजबूत ब्रश है, इट इज़ सो गुड। मुझे बस डर लगता है मैं इसको धोना ना कहीं भूल जाऊँ, इसलिए मैं इसको फ़ौरन ही धो लेती हूँ। तो ये इतना अच्छा, इतना पेंट ये अपने अंदर ले लेता है, और आप मज़े से बेस कोट में क्लिप्स लगा दूँगी यहाँ पर इसको यूज़ करते हुए, ऐसा लगता है कि आप पेंट करते ही जा रहे हैं और इसके अंदर से पेंट निकलता ही जा रहा है। और इसके एजेस देखें इतने अच्छे टेपर्ड हैं कि इसकी वजह से, आई डोंट नो मैं फोकस कर रही हूँ कि नहीं, हाँ इसके एजेस देखें ये इतने अच्छे टेपर्ड है कि इसकी वजह से इतनी सॉफ्टनेस आती है कि स्ट्रोक्स में बड़े मैच्योर स्ट्रोक्स लगते हैं। सो ये अगर आपके पास पैसे हो और आप ज़्यादा ब्रशेस नहीं लेना चाहते तो आप इस तरह का कोई ले सकते हैं, ये बहुत लंबा चलेगा, और अगर आपको पता है कि आपने पेंटिंग करनी है काफ़ी अर्से तक तो आप ज़रूर इस तरह का ब्रश ले लें, पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, आई प्रोमिस। इससे पहले मैंने एक एक्सपेंसिव ब्रश लिया था, इस पर भी मैंने EXP लिखा हुआ है, मगर ये बहुत पहले लिया था और ये उतना एक्सपेंसिव नहीं था, ये भी राफेल का ही होगा आई थिंक, ये रोनी का है, डॉलर रोनी का है, ये इतना अच्छा नहीं, उतना भी अच्छा नहीं था जितना ये है, लेकिन बहुत अच्छा था कंपेयर टू अदर ब्रशेज जो मैंने आपको दिखाए थे। इसके ये भी टेपर्ड है, अगर आप इसको देखें गौर से, ये बहुत अच्छा टेपर्ड है, और मतलब फिर उतना अच्छा नहीं है जितना ये है, मगर अगर आप ये एक्सपेंसिव वाला नहीं ले सकते तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव वाला चलेगा, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये मैंने शायद 900 का लिया था आज से 5-6 साल पहले, ये मैंने शायद एक साल पहले लिया था 3000 का, 3400 समथिंग।
अगर आप एक्सपेंसिव ब्रशेस नहीं लेना चाहते तो ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। ये मैंने सब दुकानों पे नहीं देखा, एक लाहौर में शॉप है, इकबाल बुक सेंटर या डीपू जो भी है, शॉप का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। उस पर बहुत वैरायटी है ब्रशेस की, इसमें से मोस्टली ब्रशेस मैंने वहीं से लिए हुए हैं। अदरवाइज लाहौर में अनारकली के जो शॉप्स हैं उनसे भी इतने ब्रशेस की वैरायटी नहीं मिलती। इस पर सेट्स मिल जाते हैं, बहुत सस्ते में भी अच्छे ब्रशेस मिल जाते हैं, वरना मोस्टली शॉप्स में क्या होता है कि महंगे ब्रशेज़ अच्छे हैं और सस्ते ब्रशेज़ बहुत ही बुरे हैं। मगर इस शॉप पर मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। ये एक का पैक था और ये भी आई थिंक 50 या 60 रुपीज़ का था शायद, या मे बी 100 का था, लेकिन 1200 से ऊपर नहीं जाते और काफ़ी अच्छे ब्रशेज आ जाते हैं। अच्छा, अब ज़्यादा बारीक वाले ब्रशेज का ये होता है कि आप उसमें ज़रा बुरी क्वालिटी लेते हैं तो वो बहुत जल्दी फट जाता है, घिस जाता है। जैसे ये देखें, काफ़ी फट सा गया है और काफ़ी स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये इतने चलते नहीं। लेकिन अगर आप कुछ अच्छी क्वालिटी का लें तो वो इस्तेमाल करने में बहुत आसान होता है और वो थोड़ा सा चल जाता है लंबा, वरना ये बिल्कुल बारीक वाला जो होता है ये भी कई लोग यूज़ करना पसंद करते हैं, तो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। और ये वाला तो बिल्कुल ही अब आई थिंक मुझे फेंक देना चाहिए, मगर ये मैंने रखा हुआ है, ये अब स्क्रैच करके पेंट को हटाने के काम आ सकता है, पेंट लगाने के काम में नहीं आ सकता। फैन ब्रश भी ठीक रहता है, मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ फैन ब्रश, पर अच्छा रहता है अगर स्टैम्पिंग वगैरह करनी है उसके लिए ठीक रहता है। थोड़े से चौड़े वाले बारीक ब्रशेज होते हैं ना, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये भी काफ़ी काम आ जाते हैं। लेकिन इन सारे ब्रशेस के बजाय ये वाला जो ब्रशेस चाइना का एक सेट मिलता है, ये वाले ब्रशेस जो हैं चाइना का एक सेट सा मिलता है, जहाँ का भी सेट होता है, ये इस पर नाम कुछ नहीं लिखा हुआ, ये पैकेट मिलता है पूरा, इसमें बहुत सारे ब्रशेस आए थे। ये इतना बारीक काम करता है, इसकी जो टिप है इससे मैं बहुत बारीक लाइन्स लगा सकती हूँ। मैं इधर एंटर कर दूँ ये एक विजुअल जिसमें मैंने पेंटिंग बनाई हुई, उस पर इतनी बारीक लाइंस लग रही थी इस ब्रश से। मैं नया नया ब्रश लाई थी और इस ब्रश के चक्कर में मैंने उस पर इतनी लाइंस लगा दी पेंटिंग पे, बहरहाल इंटरेस्टिंग बन गई थी वो पेंटिंग। ये भी इसी इन ब्रशेज़ की तरह जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना, इनकी तरह ये पैकेट में आता है, डिफरेंट साइज़ आते हैं इसमें। ये मेरा बहुत ही पुराना ब्रश है, ये मैंने थोड़ा सा महंगा ही लिया था उस वक्त के हिसाब से, बाकी ब्रशेस के हिसाब से इसकी प्राइस ज़्यादा थी, चाइना लिखा हुआ ऊपर, लेकिन बाहर ब्रश महंगा था। अगर आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये अभी भी सही का सही है, ऑलमोस्ट नया ही लग रहा है, और ये मैंने इतना ज़्यादा यूज़ किया है, ये भी अच्छा था मुझे इसकी वजह से। और इस ब्रश से बनाई मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स बिकी हैं, इसलिए इसको एंटर करना बहुत ज़रूरी था, ये अच्छा ब्रश था। सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ब्रश लेके कभी भी आप रिग्रेट नहीं करते। ये भी राफेल का ब्रश है, ये भी मैंने इकबाल बुक सेंटर से लिया था, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं रहा। वैसे ये गोल्ड ब्रश है, मैंने गोल्ड के ही उसमें लिया था, उनके पास बहुत एक्सपेंसिव ब्रशेज हैं और इतने ज़बरदस्त ब्रशेज हैं। मैं और कोई ब्रश लूँगी, कोई अच्छी सी पेंटिंग ज़्यादा सारी प्राइस की बिकी तो मैं ज़रूर ब्रशेज पर और इन्वेस्ट करूँगी, मगर जितना आप ले सकते हैं उसमें ही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे। ये ठीक है बस, उसने इसको राउंड के उसके लिए ले लिया था, राउंड ब्रश मेरे इतने काम नहीं आया, लेकिन है यूनिक सा, लेकिन इसको राउंड है, यहाँ से आप शायद देख सकें। वाह, उनके पास बहुत महंगे ब्रशेज हैं राउंड वाले, वो बहुत अच्छे हैं, ये अच्छा नहीं था। पैलेट नाइफ की ना बहुत सारी शेप्स मिलती हैं और बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं, मगर मैंने जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया वो ये वाली शेप है, और ये मेटल का है। प्लास्टिक के भी मिलते हैं, मैंने ये प्लास्टिक की भी एक शेप है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई है, मगर इसके अलावा जितनी भी शेप्स ली हैं वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आ सकी। ये सबसे अच्छा रहता है, ये चौड़ा भी है और इसकी टिप भी है, आप देख रहे हैं ना, डुअल साइडेड बन जाता है एक तरह से, और इसकी एक और टिप भी है, तो 3 साइड्स हो गई ना, तो इस तरीके से ये काफ़ी काम आ जाता है। और ये वाला भी अच्छा है, ये पेंट निकालने के लिए बॉटल्स वगैरह में से काफ़ी अच्छा रहता है, या थोड़ा बहुत कहीं कोई लगाने के लिए, मैंने बहुत यूज़ किया होगा। इस किस्म का जो मिलती है शेप्स वगैरह मिलती हैं, अगर आपने फ्लोरल कुछ बनाना है तो उसके लिए अच्छी रहती हैं, मगर मैं इतनी फ्लोरल ऐसा कुछ बनाती नहीं। अच्छा, अब ये मेरा दी मोस्ट फेवरेट टूल है पेंटिंग करने के लिए, इसके ऊपर पानी लगा के पेंट आप मिटा सकते हैं, पेंट को हेजी बना सकते हैं, ये इतने मज़े के टूल्स रहते हैं। ये मैंने पैकेट लिया था, जिस वक्त मैंने लिया था ये बहुत सस्ता था, मगर मेरे साथ हमेशा यही होता है कि नेक्स्ट टाइम वही चीज़ लेने जाओ और वो एक महीने बाद ही महंगी हुई होती है जो मुझे पसंद आती है, अदरवाइज़ वो पहले से उसी प्राइस पे लगी होती है। मेरे घर वाले कहते हैं कि जो चीज़ मैं उठाती हूँ ना नेक्स्ट टाइम,
वो महंगी हो चुकी होती है, दुकानदार कहते हैं कि ये बहुत बिक रही है इसको महंगा कर दो, मगर आई डोंट नो, ये मुझे बहुत पसंद है टू, लेकिन ये अब महंगा हो चुका है। ये पूरा पैकेट था और ये हार्डली 60 या 50 रुपीज़ का था और मुझे बहुत पसंद आया। मैंने ट्राई करने के लिए लिया था और ये पकड़ने में बहुत ईजी रहता है, पानी में डिप करो और आराम से पेंट के राउंड राउंड से इफेक्ट्स हो या फिर इसको ब्लेंड करो, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। मैं क्लिप्स लगा दूँगी यहाँ साइड पे जिसमें आप देख सकें कि ये कैसे रहते हैं। ये वाले स्पंचेस मेरे इतने फेवरेट नहीं है, तो इसका कलर डार्क है, मुझे याद ही नहीं रहता इसको साफ़ करना। आप देखें कितना हालत बुरी हुई हुई है इनकी, ये शुरू में ही ऐसे हो गए थे ऑलमोस्ट। एक तो इसको साफ़ करना देर से याद आता है, वाइट कलर होना जैसे इसका है तो आप साफ़ कर लेते हैं एटलीस्ट, आप देख रहे होंगे कितना साफ है। इसको मैं साफ़ करना भूल गई थी आई थिंक, लेकिन ज़्यादातर मैं साफ़ कर लेती हूँ उसको टाइम पे। ये भी सॉफ्ट है, इसको भूल ही नहीं थी मेरे ख्याल है, इसमें टिंट ऐसे ही ऐड हो गया। लेकिन ये वाले जो है ना, ये बहुत मुश्किल है, ये टूटना शुरू हो जाते हैं। आप ले लें ये लेना तो, लेकिन मुझे कोई इतना पसंद नहीं है, सही है बस सो सो। स्पंज अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा हुआ। ये वाला ब्रश मैंने खुद बनाया था, ब्रश टूटा हुआ था, उसके आगे मैंने एक कपड़ा लगा के टेप लगाई थी, ये भी काफ़ी काम आ जाता है मेरे। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है स्टिल पेंटिंग के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, पेंटिंग के लिए अगर पैशन है तो आप ब्रश खुद बना सकते हैं। इस तरह के रोलर्स का जो सेट आता है ये काफ़ी सस्ता सा होता है और ये शॉप में सस्ते की कैटेगरी में आता है। अब प्राइस मैं नहीं बता सकती, मैंने जब लिया था आई थिंक 60 का पैकेट था या फिर 70-80 का, 100 से बिलो था। और ये मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक होता है ये, बस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बट मेरे ख्याल से ये टूल लाजमी होना चाहिए, मगर ये कि ये यूज़ में हर पेंटिंग में एक दफ़ा यूज़ हो जाता है, इफ़ेक्ट ठीक है। बस आपको क्लिप दिखा दूँगी इसका। इस किस्म का रोलर जो होता है ये स्टैम्पिंग के काम आता है, ये ऊपर से प्रेस करके इफ़ेक्ट लेके आ सकते हैं किसी चीज़ का, लेकिन ये मेरा इतना काम नहीं आया, पेंट नहीं इसके ऊपर लगता, ये रबर सा लगा हुआ, ये जाली वाली एक पेंटिंग होती है वो बनाने के लिए काम आता है, आपने ट्रांसफ़र करना और इसमें एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे प्रिंट को, उसके लिए होता है ये। तो ये अनपढ़ कुंवार इंसान ने ख़रीद लिया था, कभी काम आएगा ये। ये वाला रोलर अब मैंने लिया था एक पेंट वाली शॉप से, ऑर्डिनरी पेंट की जो शॉप होती है उसे, जब एक ही बार मैंने शॉपिंग की थी कुछ ब्रशेस की तो ये वाला रोलर भी लिया था। आज तक आई थिंक मैंने एक दफ़ा यूज़ किया है, पर ये रोलर फजूल रहा है। इसके ऊपर से ये कपड़ा उतर जाता है और आप इसको धो सकते हैं। नहीं ये तो उतरता ही नहीं है, अच्छा मैं आज तक समझ रही थी कि उतर जाएगा एक दिन, लेकिन ये उतरेगा नहीं, ये मैं शायद यूज़ करूँ, इट्स नॉट बैड एक्चुअली। कुछ चीज़ें आप बस इग्नोर कर रहे होते हैं, यूज़ करनी चाहिए। इस तरह की ब्राउन वाली बेस के साथ भी पैलेट नाइफ का पैकेट आता है, इसमें काफ़ी सारी शेप्स होती हैं। मैंने भी एक दफ़ा ये पैकेट लिया था, उसमें शायद 2 या 3 थे, तो ये वाली शेप इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती। मैंने काम बहुत किया है इससे, लेकिन यूज़फुल से मतलब ये होता है कि हर पेंटिंग भी यूज़ हो रही है और बड़ी सक्सेसफुली यूज़ हो रही है और आप कंफर्टेबल लगे काम करना, तो वो इसका सीन नहीं होता। वो दूसरी वाली जो पैलेट नाइफ मैंने आपको दिखाई थी, जो जिस ट्रायंगल बनी हुई थी, ये वाली इस तरह की शेप यूज़ ज़्यादा होती है। ये मेरे पास मेरे ख्याल से प्लास्टिक में भी है आई थिंक, बहरहाल ये शेप अच्छी रहती है। तो आपने बिला वजह हर तरह की चीज़ लेके पैसे ज़ाया मत करें, प्लास्टिक की कोई लेनी है तो इस तरह की शेप अच्छी रहेगी, और एक आप मेटल का ले लें, बहुत ज़्यादा शेप्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गलती से कोई बुरा ब्रश आ जाए तो आप उसको फेंकें मत, मैंने कभी अपने ब्रशेज़ नहीं फेंके, बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं मेरे पास। इस तरह का ये जो हार्ड सा एक बहुत ही बुरा ब्रश, इसकी कंडीशन बहुत ही बुरी रह चुकी हुई है, मतलब हो चुकी हुई है, मगर ये फिर भी काम आते हैं। बाज़ दफ़ा आपको गंदे से वो थिक से स्ट्रोक्स चाहिए होते हैं, गंदे तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छे से थिक से स्ट्रोक्स चाहिए होते हैं, जो कि जिसके लिए इस तरह के ब्रशेस काम आ जाते हैं। पर पूरी पूरी पेंटिंग पेंट से काम करना कंफर्टेबल नहीं होता, बहुत ही घिस घिस टाइप के होते हैं ये, पेंट भी ज़्यादा नहीं इनमें लगता, तो ये बस काम आ जाते हैं, मगर फेंकने की ज़रूरत नहीं है इनको। एक ये वाला भी ब्रश मेरे बहुत काम आया, ये टेपर्ड है, ये सस्ता भी था और ये सॉफ्ट भी काफ़ी है और पेंट भी थोड़ा सा ये ले लेता है। तो ब्रश की क्वालिटी पे आपने काफ़ी गौर करना है, उसकी प्राइस पे इतना ज़्यादा मत तवज्जो देना। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो सस्ता मिल रहा है तो फ़ौरन ख़रीद लें, और ज़्यादा ये ना सोचें कि प्राइस कम है तो बुरा ही होगा, बहुत सस्ते ब्रशेस बहुत अच्छे होते हैं। बहरहाल ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि कौन से टूल सबसे बेस्ट हैं, तो ये मेरे फेवरेट टूल्स हैं इसमें से जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं। ये देखिए इसमें छोटे साइज़ के भी होते हैं, ये पूरा पैकेट ही था,
और इसके तो बहुत सारे साइजेस थे, अभी मुझे सब मिल नहीं रहे, पर बहुत सारे साइजेस हैं इसमें भी, 5-6 आई थिंक साइज आए थे। और ये वाला, खैर ये वाला पैकेट अगर आपको मिले तो ये ज़रूर ले लेना बारीक काम करने के लिए। सस्ते ब्रशेज में अगर अच्छे ब्रशेज मिल रहे हो तो वो तो आप ज़रूर लें, और महंगे ब्रश आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई एक ले लें, काम आ जाएगा। मेरे तो काफ़ी काम आया है दोनों एक्सपेंसिव ब्रशेज EXP। इस तरह का पर भी मैं संभाल लेती हूँ कहीं से मिले तो, क्योंकि ये साइन करने के लिए अच्छा रहता है, वरना अगर बारीक ब्रश अच्छा आपके पास तो वो बेस्ट रहता है साइन करने के लिए। पर ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने रख के आपको ज़रा गाइडलाइन दी है, आई होप आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे और आप काम की चीज़ लेंगे और उससे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपको कंटेनर्स चाहिए होते हैं, इस तरह के ग्लास कंटेनर्स ले लें, या फिर आप इस टाइप के कंटेनर्स ले लें। इस तरह के कंटेनर्स में आपने पेंट डाल के यूज़ करना होता है, आप मेरी दूसरे चैनल पर देख सकते हैं डिटेल्ड वीडियोज़। इस तरह की जाली भी आपको रखनी पड़ती है इन कंटेनर्स को साफ़ करने के लिए, सेपरेट रखें, जो बर्तन धोने वाली है वो यूज़ नहीं करनी आपने। और आप मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करके देखें, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस बनाई हैं। मैं अपने बाकी चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो चैनल्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे डिटेल्ड चीज़ें जानने के लिए और पेंटिंग के लिए। सो ज़रूर चेक करें उन चैनल्स को, एंड आई विल सी यू अगेन। अच्छा अच्छा पेंट करें, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, मैं वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करूँगी, और जिनके वीडियोज़ में ना कवर कर सकूँ उनको आंसर करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। सो आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, खुदा हाफिज़।